हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में आप सबके बीच। तो आज हम बात करने वाले हैं रक्सौल जंक्शन से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के जाने के लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों अगर आप रक्सौल से दिल्ली जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे आप सबको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेन के बारे में, आखिर में कौन सा ऐसा ट्रेन जो कि प्रतिदिन रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल्स के लिए जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रक्सौल से सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि प्रतिदिन रक्सौल रेलवे स्टेशन से सुबह 8:40 पे रवाना होती है, जो कि आपको दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल्स पे सुबह 9:10 तक पहुँच जाती है। रक्सौल स्टेशन से जब ट्रेन खुलती है तो सभी छोटे बड़े स्टेशनों पे रुकते हुए जाती है। तो सबसे पहले आपको रामगढ़वा, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज के रास्ते, आपको बगहा होते हुए गोरखपुर तक के रास्ते होते हुए आनंद विहार टर्मिनल से यानी दिल्ली के लिए जाती है। दोस्तों आप सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल स्टेशन से लगभग 45 स्टेशनों से होते हुए आनंद विहार तक पहुंचती है। तो दोस्तों अगर आप नेपाल से आ रहे हैं और जाना चाहते हैं दिल्ली तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप नेपाल से रक्सौल बॉर्डर पहुंचेंगे, उसके बाद आप रेलवे स्टेशन यानी रक्सौल जंक्शन आकर वहां से अपना टिकट कंफर्म करेंगे और सुबह 8:40 पर सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि प्रतिदिन आनंद विहार के लिए जाती है तो आप उसे आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने के धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।